हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशा नूर और मेरे साथ हैं जवेरिया सिद्दीकी और ईशा तारिक। जी, तो जवेरिया एंड ईशा, आज हम देखेंगे फुकरा इंसान है। इसका नाम फुकरा है, इंसान ही ऑब्वियसली। अच्छा, तो इसका असली नाम जो है वो पता है, असली नाम क्या है इसका? नहीं, इसका असली नाम है अभिषेक मल्हान और ये बिग बॉस ओटीटी में भी आया था। बहुत लेवल का प्लेयर था एल्विश और इसकी वजह से वो बिग बॉस इतना वायरल हुआ ना। लाइक कुछ होते हैं जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज आ जाते हैं और वो निकल जाते हैं, तो उसे छोड़ दिया। फिर फुकरा इंसान यानी कि उनका 4 महीने का पीरियड होता है, वो रहते हैं बिग बॉस में और फिर वो एलिमिनेट होते जाते हैं। तो इसका ये था कि हमें पता था कि अभिषेक ने जीतना है। तो लास्ट में ये हुआ था कि एल्विश आ गया, तो हम थे यार पता नहीं एल्विश जीतेगा, फुकरा जीतेगा। कौन जीता था? एल्विश जीता था। और थोड़ा सा दुखी भी हुए थे हम लोग के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा फैन थे और फैन भी बहुत थे अभिषेक। फैन मैं कहती हूँ, बिग बॉस में होना आप बन जाते हैं। बिग बॉस का जो एक प्लेयर होता है ना, जो स्पाइस देता है, ये ना उसके फैन बन जाते हैं। सही बात है, मतलब लड़ भी रहा है ये फड्डे भी कर रहा है, ये ना अपने गैंग भी बना रहे। और इनकी ना मतलब दोस्ती बहुत वायरल थी, एल्विश की और इसका और इसकी मनीषा की, इन तीनों की बहुत वो वीडियोस थी, इन पे काफी थी। और ये लोग वाकई ऐसे थे, मनीषा बहुत अजीब हरकतें करती थी। एग्जैक्टली, वो दोनों भी काफी फनी ऐसे स्टंट मारता था। ये फनी तो मतलब ये लड़ता बहुत था, ये बहुत झगड़े करता था। एक उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है बड़ा स्वीट नाइस बंदा है ये तो। ये लेकिन शो में ना इतने झगड़े करता था। एक पूजा भट्ट जो है ना, पुरानी इंडियन एक्ट्रेस है पूजा भट्ट, महेश भट्ट की बेटी है, तो वो जरा बॉसी एटीट्यूड में होती थी कि मैं तो पूजा भट्ट हूँ। तो ये उसको तुझे क्या लगता था कि नहीं भाई तुम्हारा एरा गया, अब मैं ही हूँ। और ऐसा नहीं है कि लाइक ये स्वीट है तो वहाँ क्यों लड़े। बिग बॉस ऐसा शो है, वहाँ पे लड़ोगे तो आप लोग आगे जा सकते हो, बजा नहीं जाओगे। स्टैंड लो के सही बात ही खड़ा होता था। सही बात, और ये ऐसे ही करता था, सीधे लोग आगे नहीं जाता था, मतलब किसी की कोई भी बात कर दे। इवन दोनों फ्रेंड्स थे एल्विश और फुकरा, लेकिन फुकरा को ना एंड में टेंशन पड़ गई थी क्योंकि एल्विश की भाई क्रेजी फैन फॉलोइंग है, उसको वोटिंग ने जिता दिया था। लेकिन भाई मेरे लिए तो विनर यही है। मुझे क्यूट भी शुरू से यही लगता, बहुत क्यूट है। हाँ, अभी ने इसकी वीडियोस देखी मैंने और फैसल ने देखी, तो बड़ा क्यूट और बड़े क्यूट वे में मीम्स को लेके जाता है। तो आज भी हम इसकी मीम्स पे ही अपना रिएक्शन देंगे। तो आप लोगों को भी इसकी वीडियोस बहुत पसंद है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय हाय, सो यू वांट टू वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाई आज तुम मेरे को बताना कि मेरा फेस कैम कैसा लग रहा है। एक तो पहले मैं ऊपर हो जाऊं यार, मेरी सीट हमेशा नीचे हो जाती है। मैंने आज जो फेस कैम लगाया ना, ये आईफोन का कैमरा लगाया, और वैसे मैं यूजुअली करता हूं अपना डीएसएलआर कैमरा। तो आईफोन वर्सेस डीएसएलआर, कमेंट डाउन। आज हम देखने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीम्स। मैन व्हाट अ मैच, मतलब व्हाट अ मैच, क्या मैच था कल। ऐसा मतलब लग रहा था एक वक्त की इंडिया तो गई, फिर एक वक्त ऐसा लगा अरे अब तो पाकिस्तान गई, फिर एक वक्त ऐसा लगा अरे भाई इंडिया इंडिया। भाई लिटरली 8% का मैच था, मतलब वहां लिखा था विन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया 8%, एंड देन केम जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमराह। मैन लव इट। आओ आज हम देखते हैं मीम्स, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स टुडे। मतलब जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने पहले बॉल पे, वो पहली और दूसरी बॉल पे जो 6 मारा था फ्लिक शॉट, ओ हो मैंने कहा आज तो रोहित भाई ठोक देंगे। बट यार कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता पिच इतनी बुरी है ना कि मतलब बैट्समैन चल ही रहे थे, बट देन देयर केम ऋषभ पंत। बाय व्हाट अ कमबैक, मतलब मैन क्या ही कमबैक था यार ऋषभ पंत का। क्यों एक बार तुम सोचो, भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मतलब ऐसा लग नहीं रहा था भाई कभी क्रिकेट खेलेगा, और आके क्रिकेट खेलना इतना अच्छा खेला, वाह आई लव इट। सो व्हिच मिनिस्ट्री इज बुमराह गेटिंग? भाई को देंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि भाई डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं। भाई लिटरली बता रहे बुमराह भाई ने जो डिफेंस कर रहा है, तो प्यार हो गया बुमराह की बॉलिंग से यार। ऑपोजिशन को लगा वो आराम से जीत जाएंगी। We have seen this before on 4th June. Literally भाई 8% probability थी जीतने की, और फिर भाई हार्दिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और बुमराह ने तो जो बोल्ड मार के और जो भाई रन नहीं मारने दिए ना, ओ हो बुमराह भाई ये लोग पप्पी यार। बैट्समैन को हमने बहुत अप्रिशिएट करते थे, विराट कोहली सेंचुरी मारता, बट मैन बॉलर्स जब 119 डिफेंड करते हैं ना, उनको भी फुल इक्वल अप्रिशिएशन मिलना चाहिए भाई। पहले क्या हो गया वालों ने, पहला अब आधार कार्ड वालों ने, क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ तो बोलो। लिटरली भाई पाकिस्तान का यार क्या ही मतलब, ये वर्ल्ड कप गया, पहले यूएसए से हार गए, इंडिया से तो चलो हार नहीं था ये तो हमारे सबको पता ही था, बट पाकिस्तान यूएसए से भी हारा, ओ हो भाई साहब कुछ तो बोलो भाई। चाय चले, एक्चुअली ऑब्जेक्ट को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट को समझ दिया रहा वो क्या करे भाई, मौत को छूकर टक से मैच जीत गए। लिटरली भाई भाई बहुत खुशी, मैं तो कल जो नाचा हूँ ना भाई, इतनी खुशी हुई।
मैं सूर्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ वर्ल्ड कप में कभी रन नहीं मारूंगा। एक्चुअली इट शुड बी मैं सूर्य कुमार यादव ये शपथ लेता हूँ कि कभी भी इंपॉर्टेंट मैचेस में रन नहीं मारूंगा, हमेशा रन जब मारूंगा तो छोटे छोटे मैचेस में मीनो जो टीम्स होते हैं उनको बैश करूंगा, आयरलैंड नीदरलैंड इनको सबको हराऊंगा। भाई सूर्य कुमार यादव यार मैन यू हर्ट अस मैन यू हर्ट अस लिटरली बता रहा हूँ। देखो मेरे से अब पूछोगे, मैं वैसे इतना देखो क्रिकेट देखता हूँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देखता हूँ, बट आई एम नॉट अ क्रिकेट एडवाइजर, बट मुझसे पूछोगे कि भाई तुम्हें क्या लगता है इस टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, ऑब्वियसली आई वोंट मतलब अभी स्विच सूर्य कुमार यादव, बट मुझे लगता है कोहली का जो एक्सपीरियंस है उसको थर्ड मतलब फर्स्ट डाउन पे आ जाना चाहिए, थर्ड नंबर पे आना चाहिए। मतलब लिटरली यार शिवम दुबे कैच भी नहीं कर रहा, मतलब मैं समझता हूँ देखो इंटरनेशनल मैच में प्रेशर बहुत होता है, बट दोनों 10-10 बॉल पे 3-3 रन लग नहीं रहे रन। बुमराह अगेंस्ट द पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप अकेला ही काट दूंगा सबको, एंड माय मैन डिड इट। अगर पाकिस्तान आज जीतता है तो पूरा टूर्नामेंट खुल जाएगा, और अगर आज पाकिस्तान हारता है तो फिर भैया अंधे की आंख में काजल है और लंगड़े के पैर में जूता है। भाई सिद्धू कमेंट्री फ्रॉम इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन। भाई मुझे समझ नहीं आई, लंगड़े के पैर में जूता है और अंधे की आंखों में काजल है, व्हाट इज योर कमेंट्री? दिस कमेंट्री लेवल इज नेक्स्ट लेवल। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम जेडी है फलानी टीम ऐसा को नहीं होने वाला भाई, तो जो है फाइनल में। अच्छा दो यार ए जितना कोई नहीं भाई, अब नहीं पाकिस्तान आई डोंट थिंक दे कैन क्वालिफाई नाउ, इट वुड बी अ बिग अपसेट। यूएसए क्वालिफाई करेगी तो मतलब पाकिस्तान टीम के लिए इससे बड़ा अपसेट क्या होगा कि वो क्वालिफाई ना करे। टू बेस्ट फिनिशर्स ऑफ दिस जनरेशन, यस एंड दे आर सिटिंग इन द डगआउट। रिंकू को भाई आई मिस यू मैन, मतलब टीम में मैं तुम्हें मिस करता हूँ। वन थिंग दिस वीक हैज टॉट अस इज नॉट बिलीव इन एग्जिट पोल्स, दैट इज सो ट्रू मैन। एग्जिट पोल्स पे कोई भरोसा नहीं करता, एग्जिट पोल्स पे जब भरोसा करते हैं तो धोखा ही मिलता है, ये बात समझ लीजिए। तो 8% एग्जिट पोल था बट जीता कौन? इंडिया। अरे यार मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, मतलब क्या होता मेरे दोस्त आए हुए थे, हम मैच बार देख रहे, वो मुझे बार बार बोले जा रहे, कह रहे भाई अब क्या ही मैच देखना, हार तो इंडिया क्या ही मैच देखना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं पूरे कैलकुलेशन लगा था, मैं भाई दो ओवर बचे अभी बुमराह के, एक ओवर बचा भाई सिराज का, अर्शदीप के ओवर मेरे को थोड़ा डर लगता है, उसके बाद हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे, अक्षर रविंद्र चौजा भाई अब लिटरली एक मिनट के अंदर पूरा ओवर खत्म कर देते हैं, बॉल डाली बॉल आई बॉल करते करते भाई बहुत बढ़िया टीम है, नजर ना लग जाए भाई इस बार वर्ल्ड कप लो प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ गया था, मुझे वर्ल्ड कप चाहिए यार इस बार, रोहित शर्मा के और विराट कोहली हाथ में वर्ल्ड कप देखना है। सीन्स फ्रॉम पाकिस्तान लीग, तोड़ देंगे सब तोड़ देंगे। मतलब बहुत सारे रीलर्स पता क्या करते, पहले वीडियो रेडी करते कि भाई इंडिया जीतेगी तो सीन्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान जीतेगी तो सीन्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो सीन्स फ्रॉम माय होम थिएटर लास्ट नाइट था भाई, तू आजा दिल जानिया ना कर मेहरबानिया। ओ भाई लेट्स गो, एंड भाई हार्दिक भाई ने जब विकेट ली तो उसके उनका जो रिएक्शन था ना, ओहो प्रधानमंत्री बनाओ भाई, बुमराह को भाई अवार्ड मिलना चाहिए। ये अंदाज अच्छा है, ये अटैकिंग अंदाज बिल्कुल अच्छा है, मोरान पटेल का क्रीज छोड़ी और मकसद को पूरा किया। भाई कसम खुदा की इतना मजा तो ना भाई, इंडिया अगर मैच जीत जाए तो भी नहीं आता जितना मजा भाई पाकिस्तान की हार पे आ जाता। भाई यूएसए से मैच हार गई, भाई अमेरिका से मैच हार गई, ग्रीन कार्ड के लिए भाई कोई टीम कितना गिर सकती है भाई, मजा ही आ गया। मैं जेन्युइन बताता हूँ भाई, पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लाइनअप जितनी अच्छी है ना भाई, बैटिंग उतनी खराब है, ये जेन्युइन बात है, उनको अपनी बैटिंग सुधार लेनी चाहिए। बॉलर्स भाई मेरे को देखो बहुत अच्छा लगता है, शाहीन अफरीदी बहुत सही बॉल डालता है, बट यू नो अगर तुम्हारे को यूएसए से हार गए तुम यार तो फिर क्या ही बोल सकते हैं यार। 18th ओवर तक पाकिस्तानी टीम को लगेगा कि वो जीत सकते हैं, फिर रोहित शर्मा अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को 19th ओवर देगा। हाँ, क्या स्क्रिप्ट लिखी है जेशा, आई लव यू भाई, बहुत सेरेमनी चल रही थी इसलिए बारिश करवा के मैच डिले करवा दिया। भाई तुम ही तो स्क्रिप्ट लिखते हो, तुम ही सब कुछ हो। When you plan to watch India Pakistan at peace, but she wants to go for dinner and shopping. घर से बाहर निकल, इंडिया जितवाएंगे, यहाँ छाती पे लिखा हुआ है देश प्रेमी। चल चल घर से निकल, पहली फुर्सत पे निकल, जा। बुमराह आई लव यू मैन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियंस आई वुड लाइक टू से वी ऑल लव यू बुमराह, वी ऑल लव यू। क्या खेले भाई तुम, भाई वो वाली बॉल में भूल ही नहीं सकता जो रिजवान भाई को तुमने बोल्ड मारा ना, ओ हो आंखों के सामने है, क्या स्विंग होती बॉल नीचे बैठी। यूएसए का लोन ऐसे नहीं चुकाना था पाकिस्तान टीम, उन्होंने बोला हम तुमसे मैच हार देंगे तो हमारा लोन माफ कर दो। बीसीसीआई डिस्ट्रॉयड हर करियर,
पुल भी देखेगा भाई तुम्हें तो कवर पुल ये देखो भाई की नजर देखो आ मजा आ गया पुल शॉट देख के भाई को भाई बहुत मजा जसप्रीत बुमराह भी पाकिस्तानी बैट्समैन आवे मेरी गाड़ी में बना बैठो आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा आज पहल को ऑमलेट बनाऊंगा तुम चुप करो एक एक को दूंगा कैमरामैन नीड्स टू हेजिटेट भाई सीधा वहां पर कुछ शायद लिखा आया था रिलीज सम कुछ था एयरप्लेन पे लिखा था ये था रिएक्शन हार्दिक भाई का जो मैं मीम आज बता रहा हूँ जो मेरे हाइलाइट्स थे वो सारे मीम बता के रखे हैं मुझे क्या मुझे तो पूरा भरोसा था टीम इंडिया ही जीतेगी प्रो भी लाइक बीवी छोड़ गई तो क्या बॉलर हम आज भी एक नंबर के हैं ऑलराउंडर नंबर वन है क्या होता साइड क्यों लग रहा है अरे पापा से कुछ बात कर नहीं पा रहा कोई बात नहीं मेरे को बताओ हाँ तो एक काम करना तू प्रिटेंड करना पापा जैसा ठीक है सर मैं करता हूँ ठीक है अरे पापा तो आप समझो ना मुझे ये तेरे जैसी औलाद से अच्छा औलाद ही ना हो टीचर जिसको नहीं पढ़ना है बाहर निकल जाओ मेरी क्लास से ले मी एंड माय फ्रेंड्स हम चले बाहर ऋषभ पंत कंट्रीब्यूटिंग इन बैटिंग एंड कीपिंग टुडे ऋषभ पंत आई लव यू मैन मतलब क्या तुम्हारा कमबैक हुआ है भाई एक मतलब मैं ऋषभ पंत का वो देख रहा था आपके तरफ जहाँ भाई ने बोला कि मेरे दो मिराकल्स हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उस कार एक्सीडेंट से बचना वो मिराकल दूसरी बात कह रहे मेरे को उनकी ऋषभ पंत भाई की पैर ट्विस्ट हो गया था तो उस वक्त उन्होंने बोला यार ये तो ट्विस्ट है मैं उसको सीधा कर लेता हूं उन्होंने सीधा कर दिया वो कहता अगर सीधा नहीं करता तो पैर काटना पड़ सकता था एंड तीसरा मिराकल इनकी कुछ सर्जरीज थी तो यू आर अ फाइट भाई कमबैक मतलब आफ्टर युवराज सिंह जैसे उनका कैंसर से कमबैक आपका कमबैक आहा लव इट मैडम ने राइड कैंसिल कर दी अब मैडम तुम्हारी रात में मैं करूंगा रोवेगी मेनू याद करके बेवफा निकली ये अगले मैचों में छक मारेंगे ये क्या करेंगे इनको डूब मरना चाहिए मैं यही बोलूंगा इनको डूब मरना चाहिए मैं गाली नहीं दे सकता नहीं, गाली नहीं देना फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना कंट्रोल We went from 8% to 92%. Never ever underestimate Indians. That is so true, man. Me on important situation. भाई अर्शदीप ने जो एंड के 10-12 रन मारे ना मैं यही प्रे कर रहा था मेरे दोस्त कर रहे थे अब तो इनको छक्के छक्के मारने चाहिए जितने लगते लग जाए मैंने कहा नहीं भाई ये सिंगल करके 120 बनाते हैं थोड़ा डिफेंडेबल कर रहा था मैं उसको 130 140 बोल रहा था because I thought 130 140 was a very good score on that pitch. But yes, they did well. गोपी बहन अरे गोपी बहन क्या कर रहे हो यार मुझे गोपी बहन देखना ही नहीं आज मेरा इंटरेस्ट ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में था एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो इफ यू लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय पुश आउट ये है तुम्हारी बॉल और वहां खड़े हैं काशवी के 6 सब्सक्राइबर और इस बॉल से तुम्हारे को उन सबको उड़ा देना है आर यू रेडी 100% चल लेट्स गो 3-2-1 गो ये कई बॉल सिर्फ यही नहीं इन्हें और इनके सब्सक्राइबर्स को आज कम्पीट करना पड़ेगा अतरंगी चैलेंजेस में एंड जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा उसको मिलेंगे 2 लाख रुपए यहाँ से तो शुरुआत करते हैं बॉलिंग से ये गई बॉल फनी लगा इसकी मीम्स हाँ मीम्स तो वैसे फनी थे funny और बाकी ने जो पाकिस्तान को रोस्ट किए हैं ना यार लेकिन वो मतलब एक ये है कि वो स्नैरियो ना गुजर चुका है तो हम थोड़ा लेट उस पे रिएक्शन दे रहे हैं तो वो स्नैरियो गुजर चुका है तो वो थोड़ी फीलिंग्स थोड़ी बैठ चुकी है मुझे ऐसा लेकिन वो जो मैच था वो वाकई ऐसा था कि पाकिस्तान जीतेगा मतलब पूरा 100% था कि जीतेगा ही पाकिस्तान उधर आ रहा था कि 92 है बट हमारे जिन्होंने सीरीज में श्रीलंका और इंडिया ने किया था वही हुआ था श्रीलंका जैसे सही किया था जैसे पाकिस्तान भी सही किया था लेकिन लास्ट में इंडिया जीत जाता अच्छा लेकिन ये मोस्टली मुझे जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि हमेशा कि इंडिया जीत जाएगा मुझे भी ऐसा लगता है हालांकि मैं पाकिस्तानी हूं जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है तो मुझे ऐसा लगता है भाई पाकिस्तान नहीं जीतेगा इंडिया मुझे ये सिर्फ इंडिया के साथ ही लगता है मुझे जब लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी होता है तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि शायद पाकिस्तान जीत जाए लेकिन इंग्लैंड का मुझे होता है कि ये इंग्लैंड और पाकिस्तान अच्छा खेलते हैं दोनों लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया देखिए हम एज पाकिस्तानीज भी अपने मुल्क से उम्मीद खो बैठे लेकिन कुछ हमारे पास अच्छे हैं रिजवान अच्छा है कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन बड़े मैचेस में पता नहीं थोड़ा सा भी क्या हो जाता है तो ये मसला है लेकिन हमारी बॉलिंग लाइन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है वो जैसे मैंने भी मेंशन किया कि शाहीन शाफरीदी बड़ा अच्छा बॉलर है और यानी कि है हमारी लेकिन बैटिंग में अगर हम देखें अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं करते नहीं
पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके सामने, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छे से एग्जैक्टली ये जो वर्ल्ड कप चल रहा था इसमें पाकिस्तान ऐसे ही आगे जा रहा था कि वो हार जाए तो हम आगे चल जाए, बारिश हो जाए, मैच टाई हो जाए तो हम आगे चल जाए। पाकिस्तानी ना थोड़ी उसमें आ जाती है रिश्वत में, तो जैसे उसने भी मेंशन किया कि भाई तुमने लोन के और जो हमारे कर्ज हैं हमने तुमने माफ किए, तुम हमें मैच मैं ये कहना चाह रही थी कि हम कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिडन पॉइंट ये तो कर देंगे कि ग्रीन कार्ड किसको ही मिल जाना है या उसका लेना, वो सिर्फ ऐसा होता है कि बस फनी बात हो गई है। वो पता क्या मतलब ग्रीन कार्ड वगैरह की, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत रिच है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकली इश्यूज आते हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो खुद ये बोलते हैं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सामने पैसा रख दो तो तुम मैच जीत जाओगे। हां तो ये बोलते हैं, लेकिन यार नहीं, मैंने देखे हैं कि मैच बड़े-बड़े भी पाकिस्तान ने जीते हैं, बड़े परेशान होते हैं। और मतलब हम आज देख रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब फोर्थ नंबर पे है, और ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छी टीम्स हैं जो पाकिस्तानी बॉलर से और बैटर से डरती हैं, ऑब्वियसली ऐसी बात है, लेकिन हमारे बैट्समैन थोड़े से पीके पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली कि बस इनको थोड़ा सा चार्ज अप, यार आवाम भी इतनी क्रेजी तरीके से ना, यानी कि वो करती है, बोलती है भाई, कॉल आउट करती है कि तुम लोग खेल नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा सा होना चाहिए। वो एक सिनेरियो देखो जैसे भी किसका था, हारिस का, वो वहां पर हाँ लड़ा है वो किसी के साथ, तो मतलब वो मैं देखी थी, लेकिन वहां पर मुझे ये लगा कि हम लोग भी गलत हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है ना, हम किसी किसी की भी कोई पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो वो लगता है फील होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे आपने पब्लिक की बात की कि वो भी बड़ी पागल हो जाती है, उसने मीम दिखाई ना कि लड़कों के लिए बड़ा मैटर कर रहा है, लड़की कहती है मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, उसने कैसे उसको बाहर वो घर से बाहर खींच रहा, तो हमारे लड़के क्रिकेट के पीछे स्पेशली पागल है, स्पेशली जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो तो फिर वो तो पूरी दुनिया ही भाई। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाम जो है ना, रोड शोज वगैरह भी हो रहे होते हैं, तो उनको सारे ना आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं सबका आइडिया होता है कि अच्छा इस टीम में ये वाला प्लेयर है, रोहित जहाँ से खेल रहे हैं यहाँ से खेल रहे हैं, और मैं तो इतनी ज्यादा मीम देखती हूँ कि वो नीता अंबानी और वो रोहित शर्मा टीम में, तो और ये लोग ना बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, लाइक हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज पहुंचे होते हैं अपनी टीम्स के लिए चेयर अप कर रहे होते हैं, वो अलग ही स्नेरी होता है आईपीएल में, लेकिन ऑन द अदर हैंड पीएसएल में मुझे ऐसा कम देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़े मुझे ऐसा लगता है सिक्योरिटी इश्यूज भी है पाकिस्तान में, ये बहुत सारी टीम्स कहती हैं, लेकिन अब पता नहीं काफी अच्छे प्लेयर्स नहीं आते पाकिस्तान में इस इशू की वजह से, इंडिया की भी टीम जो है वो काफी ज्यादा, और भी अब बाकी टीम्स ने काफी दफा कहा है कि यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन पीएसएल की ना आई मीन मैं देखती हूँ कि पीएसएल के एंथम भी इतने अच्छे बनते हैं, काफी मजे के होते हैं सारे, लेकिन लोग ज्यादा जो है आईपीएल के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट उनकी भी बड़े मजे के होते हैं, उनकी जो एक स्पेशल किस्म की वो एक है ना, एक आवाज निकलती है, वो टोन है, वो सब पाकिस्तान। अच्छा कि मैं मीशा को आगे बता रही थी, हमने लास्ट टाइम जब ओपनिंग देखी थी आईपीएल की, ओ माय गॉड, वो बहुत बहुत आला थी, तो वो इस तरह से वो दिखाते हैं, एलैबोरेट करते हैं अपनी चीजों को। यार हमारे उस पे पता नहीं, एक तो मैं देख रही थी बिलाल सईद, बिलाल सईद आयमा बेग आते हैं, वो वाली हाई क्रिएट होती है जो इंटरनेशनल स्टार्स की होती है ना, वो अच्छा उनकी वो भी आती है ना कभी कभी, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, तो वो फिर ग्यारह एडवानी, हाँ, और उनको सिर्फ इंडियंस नहीं देखते, उनको पाकिस्तानी शौक से देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनको देखना पसंद करते हैं, तो वो अलग हाइप क्रिएट होता है, और फिर बाहर से अगर एलन वॉकर या कोई बड़ा स्टार, तो फिर तो अलग ही बात है, वो एक रहता है, और उनकी मैं देख रही थी कि जर्सी रिवील हो रही थी उनकी, उनके जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना वो बड़ा अच्छा कैप्चर करते हैं, हमारा होता है कि एंथम आ गए हैं अब, यानी कि सेरेमनी होगी, मोमेंट्स बड़े कैप्चर करते हैं, और फिर स्टार्ट हो जाता है, और मैं देखती थी काफी ज्यादा ना वो जो थे ना स्टेडियम वो खाली थे पीएसएल में, तो मुझे था कि पता, क्योंकि हमारा होता है कि पीएसएल को भी हम करें ना कवर, क्योंकि पीएसएल लोग इतना देख ही नहीं रहे थे, इवन स्टेडियम भी इतने ज्यादा भरे हुए नहीं थे, तो फिर होता है कि यार अब क्या ही बंदा कह सकता है। खैर वीडियो बहुत मजे की थी, मीम्स भी बहुत उसकी फनी थी, और मैच तो हम लोगों के फेवरेट है, हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों टीम हमें बहुत पसंद है। आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फुकरा के बहुत से फैंस हैं और देन मैच के बहुत फैंस हैं, तो जब मैच में मीम्स बनती है तो लोग बड़े शौक से देखते हैं उसे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।